खबर मोहम्मदाबाद गोहनामऊ से है, जहां करहा परिक्षेत्र के आस्था और विश्वास का केंद्र बाबा घनश्याम साहब के सुप्रसिद्ध मठ पर भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से क्षेत्र के साधु संतों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पिछले 3 दिनों से मऊ जनपद में प्रवास कर रही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राथमिक विद्यालय माखपुर की तिरंगे से सुसज्जित 7 बच्चों के द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। कक्षा 5 की छात्रा सानिया ने मात्र 30 सेकंड में 75 जिलों का नाम सुनाया। विद्यालय में विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को संपादित करते रहने के कारण अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके जूनियर विद्यालय माहपुर के शिक्षक राजीव मौर्य के निर्देशन में पहुंची बच्चों की प्रतिभा और उत्साह से मंत्री जी अभिभूत नजर आई। विधानसभा की प्रत्याशी रही पूनम सरोज एवं डॉक्टर उमेश सरोज ने अतिथियों को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मंत्री ने मोहम्मदाबाद गोहना में शहीदों का माला अर्पण किया और वहां से मऊ करहा स्थित वैराग्याश्रम मठ गुरादरी धाम पहुंची। केंद्रीय मंत्री ने वहां साधु संतों को सम्मानित केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का पुष्प गुच्छ द्वारा मंडल अध्यक्ष ओमकार सिंह मुन्ना, दया प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, इंद्रदेव सिंह, जय प्रकाश सिंह कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के अतिरिक्त लोकसभा प्रभारी देवेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह एवं सभाध्यक्ष मठ के महंत भगवान दास ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में भाजपा की वर्तमान केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। मोहम्मदाबाद गोहनामऊ से वसीम खान के साथ मुनु भारती की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत वंदे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अन्नपूर्णा जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत जनता पार्टी शासन ने कौन सा हाथ बांधा है? अधिकारी कहते हैं कि हम लोग के हाथ बंधे हुए, किसी को मैं ट्रांसफर इधर उधर नहीं कर सकता। इस तरह का कौन सा वो बात में कल बैठक हुई थी जो जिला परिवार के साथ। जी जी एक सूचना आई है, जानकारी आई है, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा समीक्षा करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन हमने दिया है। ज्यादातर लोग तो शहरी चाहते हैं, कैडर बैठा हुआ है कि ना शहरी क्षेत्र का कैडर। समस्या को लेकर मैडम हम लोग के सामने कम से कम इसी ब्लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी मिली थी। जब मैं डीएम को कहा, जब कलेक्टर को कहा, तो उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इसकी समीक्षा करो, जहाँ भी इस तरह का है उसको आप ये बात जिलाधिकारी अगर जानकारी हमें भी देंगे किस किस स्कूल का है, तो फिर हम अपनी तरफ से भी जिलाधिकारी को उनका एक बस कभी इस तरह से कभी बात आई है तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए शासन ने हमको अधिकार विहीन कर दिया है कि हम कहीं कर नहीं सकते। ये तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि इसकी समीक्षा करेंगे, और ऐसा कहीं भी नहीं है। शासन कभी भी हाथ नहीं बांधता, शासन की हमेशा अपेक्षा है गाइडलाइन केंद्र या राज्य की हो। जब जिले जनपद स्तर पर डीएम होते हैं, डीएम हर एक चीजों को देखे, महसूस करे और बेहतर व्यवस्था वो उपलब्ध कराए पब्लिक को, ये शासन चाहता है। मैडम होप कि आप आई हैं, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।